नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग चैनल पर। आज हम हार्ट लंग मशीन की कंप्लीट वर्किंग के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार सर्जरी के समय हार्ट लंग मशीन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करती है। पहले हमें यह जानना होगा कि नेचुरल हार्ट और लंग किस प्रकार फंक्शन करते हैं। उसके लिए हम यहाँ से समझेंगे, डायग्राम से समझेंगे। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम यानी फर्स्ट चैम्बर हार्ट में आता है। राइट एट्रिया पंप करके ब्लड को राइट वेंट्रिकल में फ्लो करवाता है। राइट वेंट्रिकल सेकेंड चैम्बर पंप करके ब्लड को लंग्स में एल्वियोलाई के जरिए उसको ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। वहाँ से ब्लड लेफ्ट एट्रिया यानी थर्ड चैम्बर में आता है हार्ट के। वो लेफ्ट एट्रिया पंप करके ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करवाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो है हार्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है। वो पंप करके ब्लड को अरोटा के जरिए रेस्ट ऑफ द बॉडी में फ्लो करवा देता है। तो ये थी नेचुरल हार्ट और लंग्स की फंक्शन। तो अब हम जानते हैं कि कहाँ पर कौन सी कैनुला हार्ट लंग मशीन में अटैच की जाती है। पहले ये राइट एट्रियम में जो फर्स्ट कैनुला होती है वो यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर में एक इस प्रकार अटैच करके एक कैनुला जो है वो मशीन के रिजर्वर में जाकर अटैच होती है। आगे हम देखेंगे। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर पर यहाँ पर अटैच, डॉक्टर यहाँ पर अटैच कर देते हैं। फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है वो हो जाता है। तो अब हम पहले इसकी थ्योरी देखते हैं। हार्ट लंग मशीन, हार्ट लंग मशीन वो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हार्ट या लंग की सर्जरी के समय इस्तेमाल किया जाता है। हार्ट और लंग के कंटिन्यू फंक्शन मेंटेन करने के लिए पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करवाता है, क्योंकि वो ज़रूरी भी है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटिन्यू सर्जरी के समय फ्लो करवाना एक कॉमनली यूज़ होता है ये सर्जरी के समय मशीन। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट और लंग में न जाकर हार्ट लंग मशीन में जाकर ऑक्सीजनेटेड किया जाता है, क्योंकि हार्ट की सर्जरी ब्लड के समय के साथ नहीं की जा सकती। इसलिए जो ब्लड का फ्लो है वो मशीन के द्वारा कर दिया जाता है, अटैच करके कैनुला को, ट्यूब्स को अटैच कर दिया जाता है। कैनुला यानी कि ट्यूब्स में वो सिलिकॉन, रबर या पीवीसी की बनी होती हैं। एक कैनुला हार्ट राइट एट्रियम वेना कावा सुपीरियर इन्फीरियर और फीमोरल विंग से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कनेक्टेड होती हैं। एक कैनुला आइसोमेट्रिक क्रिस्टलाइज्ड सॉल्यूशन से फिल्ड होती है जो कि हार्ट को बाईपास ब्लड के समय एक्टिव और मायोकार्डियम हार्ट अटैक होने से रोकने के लिए एक सॉल्यूशन है। चलिए सभी कैनुला को ब्लॉक डायग्राम मशीन से समझते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि ब्लॉक डायग्राम की सहायता से हार्ट लंग मशीन किस प्रकार वर्क करती है। जो रिटर्न वीनस कैथेटर कहते हैं कैनुला को वो अटैच की कर दी जाती है हार्ट राइट एट्रियम पर, हार्ट के राइट एट्रियम पर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा से। इस प्रकार ये इन्फीरियर वेना कावा और ये सुपीरियर वेना कावा, तो इससे एक ट्यूब ही होकर एक ट्यूब बन जाती है दोनों से अटैच करके। तो ये इस प्रकार दिखाई गई है। तो यहाँ से ब्लड आकर रिजर्वर के पास जाता है। रिजर्वर से पहले टेम्परेचर बॉडी का देखना होता है कि किस बॉडी का टेम्परेचर कितना है। पेशेंट ज़्यादा गर्म तो नहीं है, ठंडा खून तो नहीं है, तो वो यहाँ पर चेक करता है। और उसी प्रकार यहाँ हीटर और कूलर का काम जानेंगे। रिजर्वर के पास आकर कैनुला, यहाँ पर लार्ज साइज की कैनुला होती है, यहाँ पर फिर थिन साइज की कैनुला आ जाती है जो कि रोटेट करवाता है। आर्टेरियल पंप, सेंट्रीफ्यूगल रोलर भी कहते हैं। यहाँ से आने के बाद ऑक्सीजनेटर के पास जाता है। ऑक्सीजनेटर में हीटर और कूलर कोर होती हैं। वहाँ से जो ब्लड का को सर्कुलेट होता है तो गर्म और ठंडा पानी पेशेंट की बॉडी के अकॉर्डिंग निश्चित किया जाता है कि ठंडा रखना है ज़्यादा या गर्म रखना है, दोनों तरह के होते हैं। तो यहाँ पर कोर के द्वारा ब्लड को उनके बहुत सारे ट्यूब्स में से, कोर में से
सर्कुलेट करवाया जाता है ब्लड को। सर्कुलेट होने के बाद ऑक्सीजनेटर के पास रिजर्वर, छोटा रिजर्वर में ही ब्लड में बबल्स क्रिएट होते रहते हैं। बबल्स क्रिएट होने से जो ब्लड है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लाइट ब्लू कलर का होता है, और जो ऑक्सीजनेटेड के बाद वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रेड कलर में कन्वर्ट होने पर एक ट्यूब जो है वो फिल्टर के पास जाती है, कैनुला फिल्टर के पास जाती है। फिल्टर का काम ये होता है कि जो लार्ज और स्मॉल साइज़ के जो बबल्स क्रिएट किए हैं ऑक्सीजनेटर ने, उनको, लार्ज साइज़ के बबल्स को रोकना और स्मॉल साइज़ के बबल्स को ही पास आउट होने देना फ़िल्टर में से। फ़िल्टर सिर्फ स्मॉल साइज़ के बबल्स को ही ब्लड में से फ्लो करवाता है। फ़िल्टर के बाद में टेम्परेचर और प्रेशर देखा जाता है कि पेशेंट के अकॉर्डिंग जो चेक किया था उसी हिसाब से उन्हें कन्वर्ट किया है या नहीं किया। प्रेशर भी सेट कर दिया जाता है, डिटेक्टर डिटेक्ट करता रहता है और रोकता है कोई लार्ज बबल तो नहीं आ गया। तो इस प्रकार जो है ये एक कैनुला अटैच कर दी जाती है असेंडिंग अरोटा पर, और जो ऑक्सीजनेटर के बाद में एक और स्मॉल ट्यूब जो कैनुला है वो जाती है कार्डियोप्लीगिया पंप के द्वारा कार्डियोक्रिस्टलोई सॉल्यूशन के लिए। कार्डियोप्लीगिया क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन है वो हार्ट में जो मायोकार्डियम मसल्स होती हैं उनको एक्टिव रखने के लिए एक सॉल्यूशन होता है, जिसमें मिक्सर होता है कार्डियोप्लीगिया सॉल्यूशन का और कुछ ब्लड का। तो ये मिक्स होकर यहाँ पर एक कैनुला अटैच कर दी जाती है, जिसको सीपी कैनुला भी कहते हैं, कार्डियोप्लीगिया क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन। उसको पंप करवाता है कार्डियोप्लीगिया पंप। इस सॉल्यूशन की मदद से हार्ट में कोई हार्ट अटैक की दिक्कत ना आ जाए बिना ब्लड के। वो सॉल्यूशन ऐसा होता है कि इसमें फील कर दिया जाता है या बाहर से लग जाता है कि हार्ट बिना ब्लड के सही वर्किंग, दोबारा वर्किंग शुरू हो जाए। तो एक हमने दो ट्यूब की तो जान ली, अब जानते हैं तीसरी ट्यूब की। इसको सक्शन ट्यूब कहते हैं, जिसको सक्शन पंप या वैक्यूम पंप, जो सक्शन के लिए जब सर्जरी की है, कट लगाए हैं जहाँ पर, वहाँ पर ब्लड का फ्लो तो हुआ है, उसको सक तो करना पड़ेगा ब्लड सर्जरी के लिए। वहाँ से ब्लड को सक करने के लिए सक्शन पंप या वैक्यूम पंप का काम होता है कि वहाँ से ब्लड को सक करके रिजर्वर के पास ले आता है। और एक होती है वेंट पंप यानी विंड पाइप। एक तो सकर है, एक विंड पाइप है। विंड पाइप यानी वेंट पाइप जो है ब्लड को अच्छे से बिना ब्लड के विंड के द्वारा अच्छे से, मतलब देखने के लिए दिख जाए जो कट लगाए हैं वो, ब्लड ना बचे कुछ भी। ये मल्टीपर्पज़ होता है, इससे सक्शन भी हो जाता है और हवा वेंट भी हो जाता है जो हार्ट है, तो ये भी रिजर्वर के पास आ जाता है। तो ये थी कंप्लीट हार्ट लंग मशीन की वर्किंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक, जैसे दिखाया गया है पिक्चर में आपको एक सही हार्ट लंग मशीन के बारे में, तो इसके जो नीचे जो है बॉक्सेस जो हैं होते हैं, आरटीएल पंप, सक्शन पंप, वेंट पंप, कार्डियो प्लीगिया पंप जो है, इसके नीचे जो ड्रॉर होता है वहाँ पर बैटरियाँ होती हैं जो कि इमरजेंसी के समय काम आती हैं। पावर सप्लाई जो है इंटरप्ट ना हो कम्प्लीटली मशीन के लिए, वहाँ पर बैटरी इमरजेंसी के समय लगाई हुई होती हैं, जहाँ से पावर जाने पर बैटरी के द्वारा मशीन का वर्क करवाया जाता है। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल कंप्लीट मशीन को प्रेशर, टेम्परेचर, हार्ट, कोल्ड सेट करने के लिए होता है। एलईडी लाइट भी लगी होती हैं हार्ट लंग मशीन पर। वाटर रेसिस्टेंस कंप्यूटर होता है, जहाँ पर शो होता है टेम्परेचर बॉडी में आने वाला कितना है और फ्लो कितना हुआ है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। थ्योरी के द्वारा हम देखते हैं कि किस प्रकार कहाँ कौन से होते हैं। ब्लड डायग्राम मेनली कंसिस्ट होता है पंप्स और ऑक्सीजन, दो मेनली कंसिस्ट होते हैं, जिसमें चार प्रकार के हमने देखी, रोलर पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, कार्डियोप्लीगिया रोलर पंप, बैकम पंप यानी वेंट पंप या विंड पंप।
ऑक्सीजनेटर यूनिट में क्या क्या होता है? फिल्टर, टेम्परेचर सेंसर, बर्बल डिटेक्टर, हॉट कोल्ड यूनिट। तो ये वर्किंग ऑक्सीजनेटेड इट इज़ यूज टू ट्रांसफर ऑक्सीजन टू इन्फ्यूज ब्लड एंड रिमूव CO2 फ्रॉम वीनस ब्लड। यह इसका काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवाना और CO2 को रिमूव करवाना। ऑक्सीजनेटेड के अंदर हीट चेंजर होता है, यूनिट होती है जो कि मेटल कोयल की होती है, ब्लड के साथ कॉन्टैक्ट होता है और एंटर करती है ऑक्सीजनेटर में। वाटर पासिंग थ्रू कोयल, वाटर जो कोयल के बाहर होता है वो वाटर ही होता है। कोयल को टेम्परेचर सेट होता है पेशेंट के अकॉर्डिंगली। कैनुला, द कंपोनेंट ऑफ डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड बाय सीरीज ऑफ ट्यूब्स मेड अप ऑफ सिलिकॉन रबर। जो कैनुला ट्यूब्स होती हैं वो सिलिकॉन रबर और PVC की बनी होती हैं। मल्टी कैनुला आर सीव इनटू पेशेंट बॉडी इनटू वैरायटी ऑफ लोकेशन, लोकेशन के हिसाब से सीव करती जाती हैं। डिपेंड करता है सर्जरी किस प्रकार की है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, हार्ट लंग मशीन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की वीडियोस आती रहेंगी हिंदी में। मैंने सर्च किया कि हार्ट लंग मशीन की हिंदी में कंप्लीट वर्किंग का कोई भी वीडियो नहीं है, तो मैंने हार्ट लंग मशीन की वीडियो बना दी। ऐसी वीडियो आती रहेंगी। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।